सूरत गढ़ के अंदर क्या क्या नहीं करेंगे हम लोग। सप्लाई वाली पानी उबाल उबाल के पीना पड़ रहा है, गंदा पानी आ रहा हमारे के साथ में मिल के आ रहा है। कीड़े मकोड़े तो नहीं, जाओ हम जैसे मर्जी पड़ा रहेंगे। बताओ पीछे का पूरा खड्डा आज कितने साल हो गए, 50 साल से वैसे कैसे ही पड़ा, कुछ सुधार नहीं हो रही है। पानी निकासी है तो 2-3 दिनों से पूरे वार्डवासी मेरे घर पे आ गए और उन्होंने आंदोलन किया। इसकी जानकारी मैंने अध्यक्ष को दी तो भाई पानी नहीं निकासी नहीं तो जनता जन आंदोलन कर सकती है, इसकी आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी। जिस डाल पर उल्लू बैठे हैं गुलफाम गुलिस्ता क्या होगी। सनराइज इंडिया टीम ने पहले भी वार्ड नंबर 37 की समस्या से अवगत करवाया, लेकिन हालात ज्यों के ज्यों हैं। एक तरफ वार्ड वासी बदहाली की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं, वहीं दूसरी तरफ वार्ड पार्षद अपनी पीड़ा बयां कर रहा है। सूरतगढ़ के अंदर क्या क्या नहीं करेंगे हम लोग, सप्लाई वाली पानी उबाल उबाल के पीना पड़ रहा है, गंदा पानी आ रहा हमारे के साथ में मिल के आ रहा है। बच्चे सारे हमारे बीमार पड़ा है, कल परसों 3-4 दिन सरकारी हॉस्पिटल में कन्हैया लाल जी भर्ती होकर के आए, आज ही आए छुट्टी होकर के। कीड़े मकोड़े तो नहीं, जाओ हम जैसे मर्जी पड़ा रहेंगे। बताओ जानवर तो नहीं है, पूरी बीमारी हमारे घर में, अभी भी आदमी बीमार पड़ा हमारा, देखने को आता नहीं है, कोई नहीं आता, कुछ नहीं आता, कि मर गया डूब गया। ऐसे ही शुगर के मरीज हुए, पानी में रोज का आना जाना काम पर हम लोग जाते हैं। ये पानी की गंदे पानी की निकासी जो है गत 4-5 सालों से ज्यादा है। इसमें वार्ड नंबर 37 में पार्षद हूँ और ये 15 वार्डों में लगभग पानी आता है। पानी निकासी के लिए वार्ड अध्यक्ष को कई बार निर्णय कर दिया गया है, उसके बाद भी निकला नहीं। पीछे 4-5 दिन पहले जो बारिश आई थी, पूरे वार्ड जो है, पूरा वार्ड लगभग आधा वार्ड लोगों के घरों में 50 घरों में पानी निकल गया, और पानी जो निकला नहीं उनका घरों में लोगों को बहुत नुकसान हो गया, 1-2 घर तो गिर गए। चेयरमैन को कहने के बावजूद भी ईओ के ईओ 6 दिनों छुट्टी पे, मोटरें जो है वो बंद कर रखी है, इस वजह से ये पानी का जो है रोक बंद हो गया। बंद होने से आगे जो है लोगों के घरों में जाने लग गया, तो ये समस्या काफ़ी गंभीर है और लोगों के घरों में पानी जाने से लोगों का नुकसान हो गया, घर डूब गए, 4-4 लोगों के बारिश के दिनों में तो 4-4 फुट पानी लोगों के घर में चला गया था। तो नगर पालिका जो है इसको सीरियस नहीं लेकर मतलब है ढिलाई कर रही है, लोगों का नुकसान हो रहा है। इसका पानी की निकासी के लिए परमानेंट स्थायी समाधान के लिए बहुत बार निवेदन कर दिया गया, अध्यक्ष को बोला है, MLA को बोल दिया, इसके बावजूद भी जो है वो नगर पालिका दस्य मसनी और स्थायी समाधान नहीं कर रहे हैं, और स्थायी समाधान नहीं होने से लोगों को आए दिन नुकसान होता है। ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, इससे बीमारी फैलने का डर रहता है। अभी कोरोना महामारी चल रही है, इसके बावजूद भी जो है नगर पालिका कोई इसका स्थायी समाधान या कोई नहीं, पानी निकासी का समाधान नहीं। लोगों के वार्ड नंबर 37 में तो पूरा लगभग बारिश के दिनों में तो 100 घर कम से कम डूब गए और 4-4 फुट पानी चला गया था, ये हाल था। पानी निकासी है तो 2-3 दिनों से पूरे वार्डवासी मेरे घर पे आ गए और उन्होंने आंदोलन किया। इसकी जानकारी मैंने अध्यक्ष को दी तो भाई पानी नहीं निकासी नहीं है तो जनता जन आंदोलन कर सकती है, जिसकी आपकी व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी। विकास के नाम पर ताल ठोकने वालों को इस स्थिति को जरूर देखना चाहिए और ध्यान देना चाहिए।